दोस्तों अगर आप ये देख सकते हो आप, ये है एपिसराना इंडिका शीट। आपको मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह है एपिसराना इंडिका का शीट, जो हमारी देसी लोकल बीज है, इसी का शीट ये आता है। अगर आपके बीज फ्रेमस पे है, साइंटिफिक भीकी पर हो आप, तो आपको चाहिए ये शीट आप फ्रेमस पे इंस्टॉल करो। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं दोस्तों। जब भी हम बीज को हम ऐसे ही फ्रेम देते हैं, मान लीजिए इसी तरह का फ्रेम हमने बीज को दिया, तो इनको यहाँ से इसकी बुनाई करनी पड़ती है और यहाँ तक, तो इसमें इनको काफ़ी शहद जो है खाना पड़ता है। इसके बाद वो वैक्स बनाते हैं जिससे कि हमारा जो कोम है वो बनता है। तो दोस्तों जब हम ये शीट इसमें लगाते हैं, इससे क्या होता है कि बीज जो है, तो ये इनको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो आप सेल्स देख रहे हो इसमें, तो इसमें वो थोड़ी सी बुनाई करते हैं तो फिर वो इनका जो 90% जो टाइम है वो बचता है। तो इसके टाइम बचने के साथ साथ दोस्तों इनका जो है शहद, जो है शहद की जो आपकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा, मतलब अगर आपके किसी बक्से से 4 kg निकलता होगा, तो जब आप इस तरह शीट दोगे तो मेरे आप खुद भी ये करना, खुद भी आप प्रैक्टिकली देख लेना एक बक्से का, आपका शहद जो है वो दुगना हो जाएगा। कैसे दुगना होगा? जब हम ये शीट देंगे, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो जब ये शहद शीट जो है दोस्तों हम इंस्टॉल करेंगे तो इनको बुनाई कम करनी है। तो बहुत से बीकीपर भाई जो है वो मेलिफेरा, ये देख सकते हो, ये मैं आपको ये थोड़ा सा टुकड़ा इधर है, यह है एपिस मेलिफेरा का शीट, ये वाला, यह है एपिसराना। आप खुद ही देख सकते हो इसके जो सेल्स का साइज़ है मेलिफेरा का, तो ये बड़ा है, सराना का छोटा है। जब अगर हम ये शीट देंगे, फुल शीट मान लीजिए देंगे, इस पर बीज सिर्फ शहद स्टोर करेगी, रानी इस पर लेंग नहीं करेगी। तो ये शीट जो है इस पर शहद भी स्टोर होता है, लेंग भी होती है, क्योंकि ये इसका अपना शीट है एपिसराना का। अगर हम ये शीट देंगे तो दोस्तों, अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो ये शीट आप इस तरह मान लीजिए इतना ही देना है आपने, इतना स्टार्टिंग स्ट्रिप। इससे क्या होगा, आपके बीज जो है टेढ़ा छत्ता कभी नहीं बनाएगी, वो सीधा बिल्कुल छत्ता बनाएगी। तो जब आप सेंटर में इस तरह स्टार्टिंग स्ट्रिप दोगे, तो इस तरह वो बुनाई इनको एक मतलब स्टार्टिंग स्ट्रिप जो हम देंगे, उनको पता चलेगा कि हमें छत्ता यहाँ से बनाना है और नीचे की ओर। तो ये शीट आप फुल नहीं दे सकते, सुपर में आप ये शीट दे सकते हो, क्योंकि सुपर में सिर्फ बीज जो है आपको, अगर आप सुपर में ही फुल शीट दोगे तो आपका ही फायदा है, इसमें सिर्फ शहद स्टोर होगा। तो दोस्तों अब वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको मैं दिखाऊँगा। ये शीट बहुत से बीके पर जो है यहाँ पर जेरी लगाते हैं, जब हम शीट इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं जेरी नहीं लगाता हूँ, मैं जेरी के बगैर आपको दिखाऊंगा कि आप ये एपिसराना शीट जो है किस तरह से फ्रेम में लगा सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये शीट जो है थोड़ा इससे लंबा है, ये मेरा जो फ्रेम का की जो लेंथ है यहाँ से। हमें दोस्तों पहले इस शीट को यहाँ से काट देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक शीट जो मैंने ऑलरेडी पहले ही काट के रख दिया है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये शीट जो मैंने पहले ही काट के रख दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें दोस्तों, ये इसमें डाल देना है, जो है इसके बराबर का काट दिया है, ये देख सकते हो। अब हम दिखाएंगे आपको ये किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो फ्रेम में वायरिंग साथ ही साथ दिखा रहा हूँ, ये वायरिंग हम लगाती है स्टील की आती है, इसमें जो है जंग बिल्कुल नहीं लगती है, तो ये भी आप लगा सकते हो वायरिंग। तो दोस्तों इसमें जो है 2 वायर्स लगे हैं, इस वाले में 3 लगे हैं, किसी में 2 लगाता हूँ 3 लगाता हूँ, जितने आप लगाओगे इतना जो आपका फ्रेम है अच्छा बनेगा। तो दोस्तों दो से तीन तरीके हैं इसको, आप अगर आप जरी लगाते हो वो भी अच्छा है, अगर आप नहीं लगाते हो तो तब भी आप ये लगा सकती हो। तो दोस्तों 3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। एक तरीका है, आप डायरेक्ट कैंडल जला के यहाँ से जब वो कैंडल पिघलेगा तो इसके कतरे जो गिरेंगे वो यहाँ पे गिरेगा, आपने इसको पकड़ के रखना है यहाँ से, तो वो ये कुछ टाइम के बाद जब वो कतरे ठंड हो जाएंगे, वो वैक्स की शक्ल में तब्दील होगी, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे शीट जो है फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप इसी तरह
जो वायरस है इसी के ऊपर आपने वो कतरे डाल देने हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह। तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपके पास ये जो वैक्स है यही शीट के कुछ टुकड़े आपने पिघला देने हैं, जब इसमें ऑयल की तरह ये बन जाएगा तो घी की तरह जब ये पिघल जाएगा, तो दोस्तों आपने क्या करना है वही डाल देना है यहाँ पे। अगर जरी होगी तो जरी में भी वो काम आता है और यहाँ पे भी। तो दोस्तों मैं जो तरीका आपको दिखाऊंगा वो एक मैं इसी तरह से करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया है दोस्त आएगा वो दोस्तों, तो आप भी इस तरह कर सकते हो। मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं थोड़ी लाइटर से इस शीट को फिक्स करूँगा। तो दोस्तों मैं विदाउट जरी आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह शीट लगा सकते हो। सबसे पहले आपने फ्रेम को इस तरह रख देना है, शीट को आपने इस तरह थोड़ा दबा के रखना है ताकि ये जो टॉप बार है हमारा इसके साथ ही टच में रहे। तो आपने क्या करना है, इस तरह लाइटर को जला देना है। तो दोस्तों जब आपने इस तरह दबा दिया तो आपने क्या करना है, इस तरह लाइटर जला देना है। जब हम ये लाइटर जलाते हैं ये शीट वहाँ पे पिघल जाता है, तो पीछे से थोड़ा सा प्रेस रख देना है। तो छोड़ना नहीं है जब तक ये जो आप देख सकते हो ये कतरा बना है इसका, ये वायरस के ऊपर आता है। तो पीछे से थोड़ा सा प्रेस रखना है, इतना भी नहीं कि ये जो वायर है इसके आर पार हो जाए। तो हो गया यहाँ पे इसका एक साइड बांध, फिर कर देना है यहाँ पे पीछे से थोड़ा प्रेस, बस छोड़ देना है ऐसे ही कुछ टाइम के सेकंड्स के लिए। तो बन गया, इधर भी थोड़ा सा कतरा गिर गया तो वो जम गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी, लेकिन ऊपर से शीट को थोड़ा सा प्रेस रखना है ताकि इससे ये जुड़ा रहे पूरा। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा, हो गया फिक्स यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पर भी तीन डॉट मैंने ऊपर के वायर को लगाए, इसको भी मैं तीन लगा दूंगा। हो गया दोस्तों यहाँ पर भी बंद, आप लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ हवा चल रही है, लाइटर जो कि है जल नहीं रहा। तो दोस्तों हो गया यहाँ पर भी ये फिक्स। यहाँ मैंने जल्दी ही छोड़ दिया था तो यहाँ दोबारा कर देंगे। तो कुछ सेकंड के लिए पीछे से प्रेस करके ही रखना है। तो यहाँ पर भी और एक लगा देंगे। अपने हिसाब से दोस्तों आपने देखना है कि शीट अच्छे से, अब ये जो है दोस्तों यहाँ बिल्कुल, अब आपने यहाँ पे इसको सेंटर पे लाना है यहाँ पे। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से ये अभी अब नहीं गिर रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे वायरिंग है नहीं गिर रहा है। तो अब क्या करना है, अब मैं आपको दोस्तों और अच्छे से फिक्स कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आ गया तो आप सारी जगहों पे आपने लाइटर इसी तरह लगा देना है। तो पीछे से प्रेस ज़्यादा भी नहीं ताकि शीट के आर पार ये जो वायर है वायर जाए, तो फिर यहाँ पे शीट कट हो सकता है। ये बड़ी बड़े ध्यान के साथ कर देना है आपको दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों ये जो ये कुछ है आपके पास, ये जो टुकड़े इसके, ये आपको इस तरह जला देना है। तो इसके कतरे इस पे गिरेंगे, ये देख सकते हो दोस्तों ये मैं जला रहा हूँ, इससे मोम जो टपक रहा है वो वायरस पे टपक रहा है। तो इससे शीट जो हमारा है और
फिक्स अच्छे से हो जाता है। तो ये इसी तरह आप कैंडल से भी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन कैंडल आजकल मिलता नहीं है बाज़ार से, तो इसी से आप इसी को आप कैंडल का काम लोगे इसी तरह। तो ये दोस्तों आप पिघला भी सकते हो, इसको आप ऑयल बना सकते हो, वो चमचे से डाल सकते हो वहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो। दोस्तों मैं इस तरह कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है ये कर सकते हो, इसको पिघला कर चमच किसी बर्तन छोटे से चम्मच वगैरह से डाल सकते हो वायरिंग के ऊपर, तो ये आपकी मर्ज़ी दोस्तों, लेकिन शीट से काफ़ी ज़्यादा फायदा आता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, अब आता है यहाँ ये वाला हिस्सा, यहाँ पर भी आपने क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे रखना है। थोड़ा सा मुश्किल सा ये प्रोसेस है, इससे अच्छा प्रोसेस जो है तो आपने क्या करना है, शीट को गर्म कर देना है किसी बर्तन में गैस के ऊपर, फिर चम्मच से आप डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे या वो अच्छा लगे तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये और एक तरीका मैंने आज आपको दिखा दिया दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों, इसके और भी इस साइड से भी आपने क्या करना है, ये जो शीट है इस सेंटर पे रख देना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से भी और डालेंगे, तो दोस्तों इस तरह से